नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा को सस्पेंड कर दिया। सरकार बनने के बाद इसी मुद्दे को लेकर एक जांच कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कानपुर रेंज के आईजी और कमिश्नर ने आकर मामले की जांच की और जांच में आरोप पाए जाने पर जांच रिपोर्ट देने के 24 घंटे के अंदर जिलाधिकारी सुनील वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया और विजिलेंस जांच भी लगा दी गई है। देखो, भारतीय जनता पार्टी की वास्तव में योगी सरकार की स्पष्ट नीति है कि हम न खाएंगे न खाने देंगे। उसी क्रम में जिलाधिकारी पे, तमाम जिलाधिकारी और अय्या पे तमाम शिकायतों की थी, उसकी एक हमारे यहाँ कमिश्नर आईजी दोनों लोग टीम बना के आए और यहाँ हमारे जनप्रतिनिधियों से हम सबसे सीधी वार्ता करके, और उन्होंने यहाँ जिलाधिकारी और जो लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन सब की लिखित तौर पे सारी विवेचना की और उस विवेचना को सीएम साहब के यहाँ प्रेषित किया। आगरा के शमशाबाद थाना क्षेत्र पहुंचे बीजेपी विधायक और भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में भिड़ गए। दरअसल एक कार्यक्रम में फतेहाबाद के भाजपा विधायक झूठेलाल वर्मा और किसान नेता भानु प्रताप सिंह पहुंचे थे। इस दौरान दोनों मंच पर ही भिड़ गए। वहीं जुबानी जंग का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगरा के ग्राम बरूकी में एक गैराज में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से चार गाड़ियां जलकर खाक हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। बता दें कि प्रमोद गोयल आटा चक्की चलाते हैं, वो चक्की पर मौजूद थे कि तभी शॉर्ट सर्किट से गैराज में भीषण आग लग गई। अलीगढ़ जिला कारागार से 9 कैदियों को रिहा किया गया। बता दें कि लंबे समय से जुर्माना न दे पाने के कारण जेल में कैदी बंद थे। एक समाजसेवी द्वारा राज्य कोष में जुर्माने की रकम जमा कराने के बाद उन कैदियों को आज रिहा कर दिया गया। वहीं बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की कई जेलों से तकरीबन 129 कैदियों को समाजसेवियों द्वारा जुर्माना जमा करवाने के उपरांत रिहा किया गया। हेडक्वार्टर लखनऊ में माननीय कारागार एवं होमगार्ड स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य मंत्री एसए साहब और हमारे डीजी साहब वाजिर के समस्त अधिकारियों की मीटिंग थी, जिसमें माननीय मंत्री जी ने निर्णय लिया कि जेल में जो बंदी जुर्माना के बदले में अपनी सजा व्यतीत कर रहे हैं और वो छूट नहीं पा रहे हैं, ऐसे बंदियों को जुर्माना जमा करा कर आज जो है इनको रिहा करवा दिया जाए। थाना गांधी पार्क क्षेत्र में दुकानदार और छात्रों में जमकर मारपिटाई हो गई। बता दें कि महज 7 रुपए के लेन देन को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ। वहीं पुस्तक विक्रेताओं ने जमकर छात्रों पर लात घूंसे भी चलाए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। वहीं अब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिजनौर में पुलिस द्वारा जनता में सुरक्षा व्यवस्था की भावना जगाने के लिए गांव-गांव जाकर चौपाल लगाई जा रही है। ग्रामीणों को क्राइम के बारे में जानकारी देकर एक नई पहल की शुरुआत की गई। गांव क्षेत्र में क्राइम को कंट्रोल और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं और बेटियों को मिशन शक्ति के तहत चौपाल लगाई जा रही है। 1090 की जानकारी अब पुलिस द्वारा गाँव में चौपाल लगाकर दी जा रही है। शासन की मंशा के अनुसार जनता और पुलिस के बीच में दूरियां घटें, जनता की समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान हो, उनका छोटी छोटी समस्याओं का तत्परता से समाधान हो, इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और गांव-गांव में चौपाल लगा के जनता पुलिस से संवाद बनाने का कार्य कर रही है। उसी कड़ी में आज ग्राम कदमपुर में प्रधान जी के सौजन्य से इस चौपाल का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत लाहुल घाटी के सिसु के पास शैती नाला में आयोजित 3 दिवसीय इंटरनेशनल ओपन स्की एंड स्नो का समापन हुआ। इस नेशनल ओपन स्काइंग चैंपियनशिप का विधिवत समापन हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकांडा ने किया। साथ ही विजेता एथलीटों को मेडल के साथ नगद पुरस्कार भी वितरित किए गए। 3 दिनों तक चलने वाली इस स्कीइंग प्रतियोगिता में मेजबान हिमाचल प्रदेश सहित देश भर से आई 9 टीमों के करीब 215 स्कीयर ने अपनी प्रतिभा और हुनर का प्रदर्शन किया। फतेहपुर जिले के किशनपुर थाना कस्बे में 18 मार्च को होली के त्योहार के मौके पर रंग खेलने को लेकर बच्चों के बीच मामूली विवाद हो गया था, जिसमें सिंगौर समाज और खटिक समाज के लोगों के बीच जाति हिंसा हो गई थी। उपद्रवियों ने इस घटना में पहुंचे डीएम एसपी की गाड़ियों पर भी पथराव किया था, जिसमें आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। वहीं घटना के बाद दोनों पक्षों और पुलिस की तहरीर पर 133 अज्ञात लोगों के विरुद्ध बलवा सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इसी को लेकर अब अखिल भारतीय खटीक महासभा के सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर एडीएम विनय कुमार पाठक को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन देकर प्रशासन द्वारा उत्पीड़न करने का आरोप लगाकर साथ ही जांच कराए जाने की मांग की है।
पिछले महीने 18 तारीख को किशनपुर में जो घटना हुई है जिसमें एक समाज को मतलब खटिक समाज को टारगेट किया गया अदर समाज के माध्यम से और छोटा सा झगड़ा था उसको बड़ा रूप दिया गया और इसमें प्रशासन हमारे खटिक समाज को तकलीफ़ दे रहा है जो कि छोटी सी बात थी उसको बड़ा रूप दे दिया गया और वहाँ से हमारे खटिक समाज के लोग प्लान करके बाहर भाग रहे आज भी बहुत से समाज के लोग बाहर हैं। हम इसीलिए डीएम साहब को एक पत्र के माध्यम से राज्यपाल माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को पत्र दिया गया है कि साहब ये इसको रोकिए। सर हम लोग अखिल भारतीय खटिक महासभा से हैं और मैं चंद्रभानु प्रभानु छोड़कर जो है जिलाध्यक्ष फतेहपुर अभी पिछले महीने जो है 18/3/2022 को एक किशनपुर थाने में बड़ी घटना हुई जिसमें दो जातियों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा झगड़ा हुआ रंग आदि डालने के संबंध में। एक विशेष वर्ग के लोगों ने खटिक समाज को टारगेट करके वो घर में घुस घुस कर चिन्हित कर लोगों को मारने का काम किया। और खबर गोंडा से जहां पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया था वहीं गोंडा जिले में भी इसके लेकर बड़ा उत्साह देखने को मिला। गोंडा जिले के जिला भाजपा कार्यालय में पूर्व मंत्री और प्रोटेम स्पीकर गणपति शास्त्री के अलावा जनता पार्टी के कई विधायक पदाधिकारी मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी का 42वां स्थापना दिवस है। पूरे देश भर में सारे कार्यकर्ताओं के साथ रह करके हर मंडल पर और हर बूथ तक आज ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम अच्छे कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूँ। हरदोई जिले में न्यायालय परिसर से एक शातिर अपराधी दो पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इसकी गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। ये शातिर दो दिन पहले न्यायालय में रिमांड के लिए लाया गया था जहां से पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। इस मामले में शातिर समेत दोनों सिपाहियों पर शहर कोतवाली में FIR दर्ज कराई गई थी और दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया। मिश्रा नाम का अपराधी है। विगत वर्ष शाहजहानपुर में ये चोरी के माल के साथ और चाकू के साथ गिरफ्तार हुआ था। दिनांक 4 अप्रैल को हरियाणा पुलिस द्वारा एक असलहे के साथ गिरफ्तार किया गया था। जब इसको न्यायालय में पेश किया गया तो उसी दौरान ये वहाँ जो सिपाही के उसमें थे उनको चकमा देकर फरार हो गया था। इसके संबंध में टीमें बनाई गई थी और कल मेरे द्वारा इसकी गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस द्वारा अथक प्रयास करके हरियाणा क्षेत्र में इसकी जानकारी हुई तब इसने पुलिस के ऊपर हमला बोल दिया। हादसों में नगर पालिका के पूर्व सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। नगर पालिका परिसर के पार्क में बैठकर इस तपती धूप में नगर पालिका चेयरमैन और पालिका अधिकारियों से अपनी मांगों पूरी करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। जानकारी के मुताबिक लगभग 2 महीने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही और ना ही एरियल मिल रहा है जिसकी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन में नगर पालिका चेयरमैन और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जौनपुर पुलिस से बीती रात एक मुठभेड़ में फरार चल रहे लूट के एक आरोपी 25,000 रुपये का नामी बदमाश जो बताया जा रहा है उसे गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस की टीम को रात में गश्त के दौरान मुठभेड़ द्वारा सूचना मिली थी कि शातिर लुटेरे जौनपुर की तरफ से बदलापुर की तरफ घटना करने के इरादे से जा रहे हैं जिसके बाद तमंचा और चोरी की गाड़ी है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा हाईवे पर जौनपुर की तरफ से आ रहे एक मोटरसाइकिल की तरफ इशारा किया गया। पुलिस अधीक्षक जौनपुर के कुशल निर्देशन में दिनांक 7/4/2022 को थाना प्रभारी बक्सा, थाना प्रभारी बदलापुर, थाना प्रभारी फुटहन और स्वाट टीम की संयुक्त टीमें अपराधियों की धरपकड़ के लिए चेकिंग चला रही थी। इसी दौरान थाना बक्सा अंतर्गत सुजियामो रोड पर कुछ अपराधियों को संदिग्ध लोगों को रोकने पर उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई जिसमें स्वाट टीम के बुलेट प्रूफ जैकेट पर उनके द्वारा चलाई गई गोली लगी। आत्मरक्षा में पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गई जो एक अपराधी के पैर में लगी। कासगंज पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी जहां पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक भाग्य स्वराज गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर हुई बड़ी चोरी का सनसनीखेज खुलासा कर दिया। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 3 अवैध तमंचे, 6 जिंदा कारतूस सहित करीब 22 लाख रुपए बरामद किए हैं।
थाना क्षेत्र नढोलना के गड़ी पचगई में एक बड़ी चोरी की घटना को कुछ लोगों ने अंजाम दिया था। इसमें लाखों के जेवरात और कुछ पैसे जो है कि नगद में चोरी हुए थे। इसमें पुलिस मेरे द्वारा 5 टीमों का गठन करके इसमें लगाया गया था। सीओ सिटी के नेतृत्व में इन टीमों का गठन जो है वो किया गया था। इसमें 100% रिकवरी पुलिस को करने में विद इन 24 आवर्स कामयाबी मिली है। 4 लोगों की गिरफ्तारी इसमें कराई गई है। विधिक कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। रुद्रपुर में केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने में अभी भले ही समय बचा हो, लेकिन केदार घाटी के अधिकांश होटल और लॉन्च एडवांस बुक हो चुके हैं। केदार घाटी के होटल और लॉन्च को 50% से अधिक की बुकिंग मिल चुकी है। ऐसे में पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण बेरोजगारी की मार झेल रहे होटल, लॉन्च और अन्य व्यवसायी बेहद खुश हैं। कोरोना महामारी का केदारनाथ यात्रा पर बुरा असर पड़ा था। केदार घाटी के 70% से अधिक आबादी केदारनाथ यात्रा पर निर्भर है। 2 साल से ये कोविड की मार झेल रहे थे, तो इस बार काफ़ी उम्मीदें हमें इस यात्रा से हैं, क्योंकि इस बार काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारे पास इंक्वायरी भी आ रही है। यात्री लगातार फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन हमसे लगातार बुकिंग के बारे में संपर्क कर रहे हैं, और काफ़ी बुकिंग हमारी मई और जून के लिए इस बार लगभग हो चुकी हैं। होटल 70% लगभग बुक इस समय हो चुका है, तो इस बार काफ़ी उम्मीदें हैं हमें, क्योंकि 2 साल से हम जो आर्थिकी की मार झेल रहे हैं, तो खासतौर पर उससे इस बार उभरने का हमको मौका मिलेगा। और समस्त क्षेत्र में जितने भी हमारे व्यवसायी हैं, सबको इस बार बहुत उम्मीदें हैं इस यात्रा से। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, इस वर्ष यात्रा अपने चरम पर जाने की संभावना है, और गत 2 वर्षों में जो है कोविड के कारण जो है पर्यटक बाहर नहीं निकल पाए थे, तो इस बार जो रुझान है, जो उम्मीद की जा रही है, बहुत अच्छी यात्रा चलने की उम्मीद है। और हमारे जो पर्यटक आवास ग्रह हैं, हमारे 3 रैन बसेरा हैं, और बाकी जो पर्यटक आवास ग्रह हैं वो पूरे पूर्ण रूप से सुसज्जित कर लिए गए हैं। और आपको विदित भी होगा कि सारे जो है फुल हैं। इस बार पर्यटक आवास ग्रहों में एडवांस बुकिंग आ चुकी है, और केदारनाथ यात्रा मार्ग पे भी जो है काफी प्रशासन के द्वारा तैयारियां कर ली गई है। विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण जो कि पूरा होटल व्यवसाय ठप हो चुका था, तो इस वर्ष एक व्यवसायियों में एक उम्मीद जगी है कि इस वर्ष काफी उनके पास इंक्वायरियां आ रही हैं, और इस वर्ष क्षेत्र में काफी बुकिंगें आ रही हैं, और होटल व्यवसायियों पर जो आर्थिक रूप से जो बैंकिंग ऋण का और उन पर जो एक्स्ट्रा बिजली के बिलों की ये समस्याएं जो उत्पन्न हुई थी, उनको इस बार व्यवसायी सॉल्व कर पाएंगे। और हम ये चाहेंगे कि इस वर्ष यात्रा में प्रशासन का और व्यवसायियों का पूरा सहयोग रहे, और इस चारधाम यात्रा को एक सुव्यवस्थित ढंग से चलाया जाए। दिनेशपुर में नववर्ष प्रतिस्पर्धा के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने नगर में पथ संचलन किया, जहां दिनेशपुर IIT मैदान में शुरू पथ संचलन सवारियां मार्केट हरि मंदिर ITI मैदान पर संपन्न हुआ। बौद्धिक कार्यक्रम में संघ के नैनीताल विभाग प्रचारक नरेंद्र रोमाल ने RSS के सेवा कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान संचालक गोकुल खेड़ा ने कहा कि कोरोना काल के चलते 2 वर्ष यहां कार्यक्रम नहीं हो पाया। जैसा कि हिंदू संस्कृति के अनुसार हमारा विक्रमी संवत 20/2079 प्रारंभ हुआ, इस विक्रमी संवत हमारी भारतीय संस्कृति विक्रम संवत के अनुसार चलती है, और विक्रमी संवत 2079 के उपलक्ष्य में और उसके साथ ही साथ परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी के जन्म के उपलक्ष्य में और संघ की स्थापना के उपलक्ष्य में आज का यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्योंकि कोरोना काल में 2 वर्ष नहीं हो पाया, इसलिए आज यह कार्य संपन्न हुआ। सरोवर नगरी नैनीताल में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर मंडल अध्यक्ष आनंद सिंह बिष्ट के नेतृत्व में दर्जनों BJP कार्यकर्ताओं ने नैनी झील में दीपदान किया। इस मौके पर नैनीताल विधायक सरिता आर्य समेत BJP के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में दीपदान के दौरान हर कोई इस दृश्य को अपने मोबाइल में कैद करने के लिए उतारू रहा। वहीं सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास पर्यटन सीजन को लेकर पुलिस महकमे में तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुगम पर्यटन और सुरक्षित पर्यटन को लेकर मंडल के DIG डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने नैनीताल पुलिस लाइन में पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस को कई टिप्स दिए, जिसमें सभी 6 जनपदों के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान DIG डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि नैनीताल सहित कुमाऊं परिक्षेत्र में आने वाले सैलानियों के साथ अच्छा व्यवहार करें, जिससे पुलिस की छवि खराब न हो। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।